सो वेलकम गाइस टू न्यू ब्लॉग और गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। अभी हम सोते हुए हैं, फ्रेशअप होंगे, आज हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हैं। अब आपका आगे का रूटीन भी चेक कराएंगे डेली, और आज का आप आपको बाहर का वेदर चेक कराते हैं। बहुत अच्छा वेदर हुआ है, बारिश हुई है, बहुत अच्छी नींद आई है, भले नींद देर में आई है पर अच्छी नींद आई है। ये देखिए गाइस मुंबई की बारिश, मिलते हैं आपसे आगे, थोड़ा फ्रेश अप होते हैं, रेडी होते हैं कॉलेज के लिए। ओके गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। और हम रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं अपने कॉलेज की तरफ नहा धो के। अबे पहले खाना तो खाना है कुछ, देखते हैं रास्ते में कुछ मिलेगा ब्रेकफास्ट करने के लिए तो करके जाएंगे, नहीं मिलेगा तो सीधे लंच में मिलेंगे हम आपको। और हम जा रहे हैं बीपी मरीन में ऑक्टा करने के लिए। ऑक्टा बोले तो ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर फेमिलाइजेशन, जो इन शिप के लिए मैंडेटरी होता है। अगर हमको इन शिप में चढ़ना है तो हमें ऑक्टा करना ही जरूरी है। और ये 5 दिन का कोर्स है, छः दिन का कोर्स है, मतलब छठे दिन एग्ज़ाम हो जाए तो मतलब 5 दिन का। और यहीं आगे पे हमारा कॉलेज है, चेक करो, ऐसी वॉकिंग डिस्टेंस है हमारे हॉस्टल से यहाँ पे 5 मिनट की बस। इस मोड़ के बाद हमारा कॉलेज है, यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ेंगे, यहाँ से आपको बीपी मरीन चेक कराएंगे हम आपको। तो ये पीछे था बीपी मरीन का फर्स्ट गेट, देखो बीपी मरीन का ये सेकंड गेट है, फर्स्ट गेट आ गया है। हम उल्टी साइड है इसको, तो हमारे लिए फर्स्ट गेट ही है। और आपको बता दो, ऑक्टा करने के लिए आपको चाहिए CDC SID नंबर और मेडिकल सर्टिफिकेट, फोटो कापी और STC फोटो और STCW कोर्स से सर्टिफिकेट। और गाइस ये देखिए यहाँ पे आप अगर आपको दूसरे में कॉलेज में भी करना है तो एक दूसरा कॉलेज ही है उसमें मिल जाए। बहुत सारे कॉलेज हैं यहाँ पर, और यहीं अगल बगल एक आशा वैलेंटाइन करके भी आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी हम आपको जैसे जैसे आप कॉलेज का भी बारे में बताते रहेंगे, आपको कौन सा कॉलेज सजेस्ट करें करना है, कौन सा कॉलेज अच्छा है नहीं है, आपको जी पी रेटिंग करना है या ऑप्टा करना है, कुछ भी करना है हम आपको बताते रहेंगे, आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए, थैंक यू गाइस। क्लास गाइस क्लास में बैठे काम होती है, काम ही नहीं हो रहा, नेट भी नहीं चल रहा है, हमें पता ही नहीं थे डॉक्यूमेंट वगैरह अपने कुछ नहीं बताया, डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे और हमें अटेंडेंस के लिए फोटो अपलोड करनी थी, कुछ नहीं बताया कर रहा था। यहाँ बोल रहे तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुम क्या करेंगे। और गाइस आपको पता है एक टीचर ठरकी भी है, ठरकी बच के रहना उससे, यहाँ कितने बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे उसने ज़्यादा उदार में हाथ लगाया। इसने हमारे चक्कर में नाश्ता भी नहीं किया है, पर इसको अभी चट्टी आ रही है बियर खाए क्योंकि हक ही नहीं आता है, तो साले सुबह सुबह आ गया। ठीक है ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको, समझ हमारी कुछ आ रहा है नहीं, पास ही कराएगा मुझे साले। ई लर्निंग भी करनी है 28 घंटे की, ई लर्निंग करने का 28 घंटे फिर भी हम आपको ब्लॉग कर लेते हैं। ठीक है जी, हम क्लास में हैं, मास्टर सामने है, सर ये हमारे सर, चेक कीजिए इनको, ये गुस्से में लग रहा है थोड़ा, नहीं चेक करूँगा। ठीक है अभी हमारी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, हम आपको अभी बता रहे हैं, बहुत लोग हैं, 8:50 पर बुला गया, 8:50 से बुलाया पर 9:30 बजने वाली है, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, कोई बात नहीं, हमारा भी पढ़ने का मन नहीं है। और इनके चक्कर में पता नहीं चाय कहाँ मिलती है, पर एक पीरियड निकला है, कैसे निकला पता नहीं कैसे निकला, मगर बहुत नींद आ रही थी साला। हमने 2 बार क्लास बदली, हमें पता नहीं, हम 3 बार तीसरी क्लास में बैठे हैं, हाँ तीसरी क्लास में बैठे, पहली क्लास से भगा दिया, फिर दूसरी से भगा दिया, फिर तीसरी में, तीसरी में जगह, और उसमें 8 बच्चे, और हम आज पहले दिन प्रैक्टिकल लेके इसलिए आ रहे हैं, प्रैक्टिकल है हमारा, क्या हम इसके मुँह पे CO2 गैस मारेंगे, इसको फ्यूज करेंगे। ठीक है देखते हैं कैसे जाता है CO2 हमारा प्रैक्टिकल, मिलते हैं आपसे प्रैक्टिकल, बस में जाएंगे वहाँ पर आपको टूर कराएंगे, कैसा है बस खाने में चाय के नाम पर चीज़ें बना के बाहर भेजी है। A few moments later. गाइस ने नाश्ता बनाया, इसमें 35 रुपये में 5 पूरियाँ मिली, छोले मिल रहे हैं,
हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल पनवी, हमें नहीं पता क्या प्रैक्टिकल करना है, शायद हमें फायर फाइटिंग का प्रैक्टिकल करना है। उस फायर फाइटिंग का प्रैक्टिकल में सी ओ टू सिलेंडर होगा, मैं इसके मुंह पे मार के इसको बेहोश कर दूंगा। ओके गाइस, अभी मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत भयंकर वाला, क्योंकि यहाँ हो रही है थोड़ा बहुत गर्मी, बहुत कम हो जा रही नींद मेरी, समझ नहीं आ रहा, मुझे भूख भी लग रही है। मैंने चाय के नाम पे हमें कुछ भी नहीं है, पूरी खा के आया ना, मतलब पैसों से खा के आया, 4500 रुपये दे के, 4500 रुपये दे के हमने 35 रुपये की पूरी खाई, बस दुख की बात है। उसके बाद आगे पनवेल जा रहे हैं, आगे हम रिव्यू चेक करा दे रहे हैं आपको अकेडमी में, हम यहाँ से पनवेल जा रहे हैं, आपको व्यूज़ भी चेक कराएंगे पनवेल के रास्ते में, कौन कौन से व्यू ज़्यादा खास नहीं व्यू पड़ गए देखो। ओके यहाँ से आ गए थे हम पीपी मरीन में, तो अपना चल रहा है प्रैक्टिकल ऑक्टो का, अभी ब्रेक मिला है, खाना खाने जा रहे हैं। ये मे भी प्रैक्टिकल एरिया होगा, उधर पहाड़ी इलाका, इधर मनीष चलता हुआ, गांड फटी है बहुत ज़्यादा, सर दर्द हो रहा है मेरा बहुत, कुछ करा तो है नहीं साले। काम करेंगे हम शुक्र। यह है बीपी मरीन, इसी में मैस था, वहीं खा के आए हैं, चले हम भी अंदर चले। तो बीपी मरीन से खाना खा के आते हुए, कैसा था खाना? नॉर्मल एवरेज था भाई, एवरेज, हाँ तो नॉर्मल था, मतलब टेस्टलेस, टेस्टलेस था, पेट भरने के लिए था बस, हाँ भूख लग रही थी बस, वो मिट गई, वो तो ऐसा ही होता है, पर कमांडरली जैसा भी था, मतलब दाल तो ऐसी देखने में अच्छा लग रहा था, खाने में अच्छा नहीं लगा। और ये मुझे समझ नहीं आया, सलाद में पत्ता गोभी कौन देता है रे, वो भी कच्ची, पहली बार मैंने पत्ता गोभी देखी सलाद में। हाँ, एक छोटा सा गुलाब जामुन था, इसके लिए थी वेज में क्या मटर पनीर, और हमारे लिए अंजय अंजय। आपको खुशी मिली होगी, आपको कमांडर में एक अंडा मिला था, आज आपको दो अंडे मिले। अंडे ही मिले ना, पर ऐसे अंडे थे मतलब बड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से। हाँ चलो, 2 बज गए हैं, जाना वापस, अब पता नहीं क्या होएगा, प्रैक्टिकल तो हमारा हो ही, फायर बुझाने का तो हो गया, आग बुझाने का, अब पता नहीं क्या होगा, 2 घंटे होगा हमारा आग बुझाने का। इधर मछली पकड़ी जा रही है, ये देखो कितना बड़ा फायर मॉकअप है, कमांडर अली से तो बहुत बड़ा है रे, और उधर देखो कितनी सारी लाइफ बोट्स, लाइफ राफ्ट, एक छोटा सा फायर बंकर, और ये वर्कशॉप है इनकी, इसके अंदर सब देखा था अंदर से, अच्छा है काफ़ी। तो भाई जब हमारी 2-3 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं, प्रैक्टिकल भी हो गया आज, नींद भी आ रही थी, इंटरेस्ट भी आ रही थी, बस इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई,
पीछे हमारे मेन मास्टर, मेन मास्टर देखिए, चेक कीजिए, दिख नहीं रहा होगा आपको, दिख रहा है हल्का हल्का। और इधर देखिए तिथारी फ्री फॉल लाइव बोर्ड बोलते हैं, फ्री फॉल नहीं है वे, फ्री फॉल लाइव बोर्ड, फ्री फॉल वाली वो होती है जो 90 डिग्री पे वो लगी रहती है, मतलब लाइव बोट है। हाँ, और ये कैबिट वाली, ये तो लाइव बोट है, ये मैनुअली ऑपरेट वाली है, पता कितने 54 बंदों की कैपेसिटी। और ये रेस्क्यू बोट है, देखिए रेस्क्यू बोट, हाँ ये सब रेस्क्यू बोट है। और ये हम अभी भी मरीन इंस्टीट्यूट में, उसके पीछे देखो बैकग्राउंड में क्या पहाड़ी इलाका आ रहा है, मस्त ये इनका अपना खुद का पौंड है, खुद का ए बे नदी है ये, पौंड नहीं है, खुद की नदी है इनकी। हाँ हाँ, और इनका एक फायर मौका पीछे देखिए, बहुत बड़ा फायर मौका है, कमांडर इनका दुगना, हमारा तो छोटा था, इनका बहुत बड़ा है, छोटा सा इतना बड़ा था, इनकी वर्क शॉप भी अच्छी लगी हमें, बट हमारी भी अच्छी थी, ऐसा नहीं है, वेल्डिंग पर्सनल पर्सनल वो बनाए हुए हैं। ओके मैं देर बाद अब हम बस में जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास यहाँ से एक घंटे दूर है, ट्रैवल करके जाना है, इतना अभी हम हमारी लाइफ पनवेल में, पनवेल फॉलो सब्सक्राइब शेयर, थोड़ा सा प्यार देता हूँ भाई जी। हम कॉलेज से निकल चुके हैं, एक घंटे दूर है, बस आ चुकी है हमारी की बात चलते। ये था बीपी मरीन अपना, और ये इसका नज़ारा यहाँ से, और काफ़ी अच्छा है, ये अपनी बस इस बार बैक सीट पे बैठे हम, जिसकी बेटी है वो इंडिकेट करता है कि इसमें एक स्क्रीन मिल जाए, और जो बैक फील्ड है वो यूज की जाती है स्पेशल हजार कन्वे करने के लिए। आपको ये ध्यान में रखना है, सब लोग ने फोन को लिया, बक्ती भी कह रहे हैं, सब मौज चल रही है, फिर सो भाई हो गई फर्स्ट क्लास, बाहर निकल रहे हैं, इधर इधर को जाना है ना, बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। कहाँ जा रहा तो सर ने टिकट मंगाया तो वो नाइट, ठीक है भाई हम जा रहे हैं घर की ओर, मतलब अपने हॉस्टल की ओर, सॉरी हॉस्टल भी नहीं पीजी की ओर, हॉस्टल तो उधर ना जहाँ हमारा कुत्ता बनाया जाता है, पीजी हमें आ जाते रहते हैं, कभी भी जा सकते हैं। आज की क्लास बड़ी बोरिंग है कि सड़कों पे, वैसे हम के चेक कराओ, हमें साढ़े देख लेंगे, रुक जा पहले बता तो दे कैसा रहा कोर्स। अच्छा था, नींद भी आ रही थी, तो एक भाई था भयंकर था हमारे साथ, तीन बार बोला भाई फोन से जॉब कर दे, साइलेंट कर दे, पर जब फोन बज रहा है वो फिर भी बात कर रहे हैं फोन, सर उससे फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। आपको देखो हम दो इंस्टीट्यूट और बताते हैं, ये ओशन मैरिटाइम दिखाओ, चेक कराओ यहाँ पे, उधर ही है पीछे की साइड है उसके बगल में, अरे होगा यार वो है आशा, आशा नहीं अब अनविया जो भी है। अरे पर मुझे पता ही क्या फील हुआ, क्या कि शक्ल दिखाना भाई, केवन बढ़िया है, बढ़िया फैसिलिटीज अच्छी है, बच्चों को बाहर आने दिया जा रहा है। अरे उन मामले में ठीक है, लेकिन पढ़ाई के मामले में केवन बहुत अच्छा है, केवन अच्छा है। अब मैं ये चीज़ पीवीआर सर को कॉल करके भी बताऊंगा, अभी तो नहीं हर बात में, इसीलिए कैमन का रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है यार, तभी 400 में से 90 बंदे फेल, 90 पता चल गया हमें कि कैसे फेल हो गए वो, जीपी जैसे गांडू कोर्स हुए जिसमें पास हो गया तू साढ़े तू मेरे से बड़ा वाला तो तू है। गाइस मिलते आपसे, निकलेंगे अगर शाम को, आपको पूरा मुंबई दर्शन कराएंगे। ये देखे लौंडे को लस्सी मारते हुए, अरे हमने तो पी ली भैया, ये उस टाइप के हैं, थोड़ा 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 लेते, थोड़ा थोड़ा ये लौंडे चम्मच है भाई वो। गाइस हम जा रहे हैं डिनर करने, डिनर खाने में जा रहे हैं, सेम होटल में जा रहे हैं, रेस्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कुछ और लोग भी आ रहे हैं आज, और साथ वाले पुराने कैमन के साथी भी आ रहे हैं, मिलाप बंद
हेलो ठीक है, मिलते हैं आपसे, बताते हैं क्या क्या ऑर्डर किया, कैसा कैसा ऑर्डर किया। झींगा मच्छी। आज कुछ नए बंदे जुड़े अपने साथ, पाजी अपने ईशान खट्टर। ये कल बगाया था वेज, क्या खाया था रे? मंचूरियन राइस। आज कह रहा हूँ मंचूरियन नूडल। आलू का पार्टी है तो थोड़ा सा नाइट व्यू में आए, नाइट वॉक पे आए। और ये सब साड्डा पंजा फ्लेमिंगो लव बेलापुर। मोहित और ईशान चल रहे हैं फोटोग्राफी पे, बाकी सब चले गए अपने रूम में। ये लांडा चल रहा है फोटोग्राफी करने। मस्त अंधेरे में फोटो।